हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आईपीओ का सीज़न है, बहुत सारे आईपीओ मार्च में आने वाले हैं। ओके, और बहुत सारे आईपीओ, दो तीन आईपीओ आई थिंक आ भी गए हैं आज के कल के दिन लास्ट इजी ट्रिप का भी है, बट एक और आईपीओ आने जा रहा है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। वीडियो में की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाते जाते, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, एक एंजल ब्रोकिंग के साथ आपका अकाउंट ओपन कराने का, अगर यहाँ पर आप फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करिएगा और फ्री में आपका ट्रेडिंग एज वेल एज डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाके अपने इच्छा अनुसार कुछ भी राशि डोनेट करके आप मंदिर बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये लिंक सीधा इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड जिस जो आईपीओ आने जा रहा है उसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ। तो ये आईपीओ से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। ओके, तो है क्या पहले तो जान लेते हैं क्राफ्ट्समैन। तो देखिए, क्राफ्ट्समैन वी आर लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीशियस कंपोनेंट वेयर क्वालिटी इज एट द हार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट दैट वी मेक ऑफ द। तो मतलब ये एक तरीके की एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट बनाते हैं। ओके, इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाते हैं किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि इसका नाम ही जैसे कि आपने देख लिया होगा, क्या नाम है इसका? ऑटोमेशन, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन माने आपका जितने भी ऑटो से मतलब जितने भी कार या फिर व्हीकल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स बनते हैं उनसे रिलेटेड ये काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके यहाँ पर आ जाते हैं और इनके होम पे देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे की सारे इनकी मशीन्स आपको दिखाई दे देंगी, जो गियर एंड बॉक्सेस, टूल रूम एंड मोल्ड बेस, शीट मेटल फैब्रिकेशंस। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हुए हमें नज़र आते हैं। इनकी वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। ओके, इनके प्रमोटर्स के बारे में जान लीजिएगा तो आपको एक बार एक आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 1986। ओके, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड इज़ द लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंगेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेंज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीडिंग प्लेयर्स इन द मशीनिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स फॉर द ट्रैक्टर सेगमेंट। और ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए जो सिलेंडर ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है उसमें ये लीडिंग उसमें है, ये बनाता है। एज वेल एज बात करें बिजनेस ऑपरेटर थ्री की सेगमेंट, तो ये जो बनाता है ऑटोमेटिव पावर ट्रेन इन अदर ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग, इसमें ये काम करता है। अगर बात की जाए इसके जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट कौन कौन से? टाटा मोटर, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, सीमेंस, एस्कोर्ट, ओके, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल, और ये कहीं ना कहीं आपका ईवी में भी पार्टिसिपेट करते हुए आगे दिखाई देगा। तो अच्छे अच्छे इसके बात की जाए तो 12 कंपनी के साथ इनका अच्छा खासा टाई अप्स है। ओके, क्लाइंट्स है या कस्टमर है जो कह सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। स्ट्रेटेजिकल लोकेट एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए इनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिज़ाइन कैपेबिलिटी, ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिज़ाइंस बनाते हैं ये, उसमें ये लीड स्ट्रॉन्ग इनकी प्रोडक्ट है। एज वेल बात की जाए रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इनकी रोबस्ट है। तो अगर बात की जाए प्रमोटर्स की, तो श्री वसन रवि इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, जो कि अब मेन पॉइंट है। अभी तक तो हम कंपनी के बारे में जान रहे थे कंपनी क्या करती है, और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में ऐसी लिस्टेड भी है, बट बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओके, ये 18 का है मार्च का फाइनेंशियल ईयर, ये 2019 का फाइनेंशियल ईयर 2020, और के ये सितंबर का है। अगर और मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर अब दे रखा है, ये जो भी फिगर दे रखा है, अगर टोटल एसेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
टोटल एसेट बढ़ती हुई नज़र आती है, तो इसे तो छोड़ ही दीजिए। अगर बात की जाए रेवेन्यू पे आते सीधे, तो रेवेन्यू आप देख लीजिए 2018 में कितने थे, 15,228, जो कि बढ़ के 2019 में 18,316 हुए, जो कि घट के 2018 से भी कम हो गए। ओके, 2020 में 15,010, और अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 5,365, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10,000 आएगा, जो कि और घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो जहाँ पर 2018 में 315 करोड़ सॉरी मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2019 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और 973 करोड़ रुपीज़ का सॉरी मिलियन रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, जो कि पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ईयर से अच्छा था। बट अगर बात की जाए 2020 की, तो 2020 में इसने जो प्रॉफिट किया है आधा प्रॉफिट दिया है, मतलब 410 प्रॉफिट के मामले में गिर गया। और अभी फिर दोबारा बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर फिर 70% मतलब 70 मिलियन रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहे, तो हम सोचते हैं कि कंपनी इज़ डूइंग गुड, और फिर उसमें इन्वेस्ट करने का हमें मज़ा आता है। बट इस तरीके से जब ये गिरता हुआ हमें नज़र आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। ओके, एज वेल एज अगर बात करूँ बड़े बड़े लोग भी आईपीओ में पहली बात तो वो पैसा लगाते ही नहीं है। ओके, बट स्टिल अगर ये वो ऐसी कंपनी में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, और इसका अभी हम जब देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमें इसमें पैसा लगाना ही नहीं है। ओके, मैं तो लगाने नहीं वाला, बट आपको फिर भी आपको बता देता हूँ क्यों। तो एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। तो ऑब्जेक्ट तो देखो सेम ही रहते हैं इनका, बोरिंग जो इन्होंने ले रखी है। ओके, फुल्ली और पार्शली उन्हें पेमेंट करनी है, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लेना है। बट मेन जो चीज़ आती है ना, यहाँ से शुरू होती है इनकी मेन चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओ डिटेल्स देखते थे, देखिए 15 मार्च को ओके आईपीओ यहाँ पर आता हुआ दिखेगा, ओपन होता हुआ दिखेगा, 17 मार्च को क्लोज हो जाएगा। ओके, जो कि आज आज से 5 और 6 दिन 7 दिन बाद, 6 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर बात की जाए फेस वैल्यू, तो देखिए 5 का फेस वैल्यू है। ओके, आईपीओ प्राइस की बात करें तो 1488 to 1490 पर इक्विटी शेयर, मतलब आपको 10 शेयर का एक लॉट लेना पड़ेगा, एनएससी बीएससी में लिस्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महंगा आपको ये नज़र आ रहा है प्राइस वाइज भी, और फेस वैल्यू भी 5 है। अगर 10 की फेस वैल्यू होती तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी लगभग लगभग 3,000 रुपये के आसपास ही आपको पड़ेगा। तो ये मुझे तो नहीं लगता इतना महंगा आईपीओ, और जो कि प्रॉफिट भी आपको पिछले 1-2 साल से कम देर इनकी फाइनेंशियल फाइनेंस में कम दिख रहा है, फाइनेंशियल में कम दिख रहा है, तो ऐसी कंपनी को चूज़ करने का कोई रीज़न भी होगा। बीएससी एनएससी की में लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो 150 करोड़ ओके एग्रीगेट आपकी यहाँ पर इक्विटी करोड़ रुपीस का यहाँ पर फ्रेश इशू होगा। अगर बात की जाए 673 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये बेच रहे हैं। तो मतलब अगर बात की जाए तो कुछ भी यहाँ पर अच्छा खासा मतलब ओएफएस ही आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, मतलब प्रोमोटर्स ही यहाँ से निकलते हुए हमें नज़र आ रही है। तो देखिए 15 तारीख को ओपन होगा, 17 को क्लोज हो जाएगा, 12 को यहाँ पर आपको अगर मिलेगा तो मिल जाएगा, वरना 23 को पैसे मिल जाएंगे, 24 को आपको ये क्या कहते हैं डीमैट में आ जाएगा, और 25 को लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम की बात की जाए तो 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम में आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रमोटर की देखिए अभी प्री इशू मतलब अभी जो हिस्सेदारी है 63.4% है, और अगर बात की जाए इस आईपीओ के पास 59.76% है हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आईपीओ सक्सेस हो पाएगा, या फिर इस तरीके का ग्रे मार्केट प्राइस आपको मिल पाएगा। बहुत महंगा ये आईपीओ आपको मिल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी देखिए ग्रे मार्केट प्राइस भी नहीं आया है। आपको बताऊँ ग्रे मार्केट प्राइस भी मैंने यहाँ पर सर्च करने की काफ़ी कोशिश करी, तो ग्रे मार्केट प्राइस भी हमें यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। और ऐसे आईपीओ में आई थिंक 35% तो रिटेल के लिए रखा जाएगा, जो कि रखते हैं। बाकी अच्छे अच्छे आईपीओ होते हैं, जैसे इजी ट्रिप का आया था, 10% कोटा ही केवल रिटेल के लिए रखा था, जो कि ऑलरेडी बहुत मैनी टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है। तो देखिए इस आईपीओ में काफ़ी लोगों की राय ये है कि बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए,
मैं भी अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। और बाकी आप खुद की स्टडी जरूर कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर पूछ लीजिएगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो, क्योंकि ये बहती गंगा अभी सब IPO हिट होते आ रहे हैं, तो इस वजह से बहती गंगा में सब हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको महंगे महंगे पर प्राइस पर ये आपको आते हुए लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ये निकल जाएंगे और प्रोमोटर्स खुद अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ओके, और हमारी ऐसी वीडियो को और पाने के लिए हाँ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आज आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।